बज गए। हाँ लेकिन आज उस चिराग के 12 बजाएंगे। हाँ पर लेट मत करना, मैं योगी को फोन करता हूँ, तू शान को कर। हाँ फैजल छोड़ना यार, मैं प्लान से कट रहा हूँ। शान के बच्चे क्यों लास्ट मिनट पे बैकआउट नहीं कर सकता तू? यार एक बार और सोच ले, बहुत खतरे वाला काम है, मारे जाएंगे। सोचने का टाइम गया शायन, जल्दी से रेडी हो जा, 10 मिनट में तेरे घर के नीचे आ रहा हूं। आ पहुंच रहा हूं, लेकिन पहुंचने के बाद तुम सबको पहुंचा कर रहूंगा। सी यू 3:30 शार्प मरीन ड्राइव। ओके फैजल, ये इतनी रात गए कहां जा रहा है तू, वो भी बिना बताए? बाबू शाइन का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है वो, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा सुबह तक मैं। सुनो तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? कहीं वो पहले की तरह जो अपनी करतूत? आपको भरोसा नहीं करना है तो पूछते ही क्यों है? कहा ना सुबह तक आ जाऊंगा, जाके सो जाइए आप। या अल्लाह मुद्दत बाद तूने एक बेटा दिया, अब उसे तौफीक भी देना। योगी, what's wrong? What happened? शेट, मेरा प्लग किसने निकाला? चिराग के बच्चे? अबे ब्रांडो, चीटिंग है ये। एक मिनट। तुझे कैसे पता कि ये चिराग ने किया? क्योंकि रेस से पहले वही हरकतें कर रहा था और ये उसके पुराने पैंतरे हैं। अगर वो इतना मुझसे डरता है तो रेस क्यों लगाता है? चल यार चल। ये स्पॉट है। रिलैक्स ओके? Shit.
Guys, I think they're coming. That's Chirag and Faisal. Baki dono kahan hain? Yes, I won. I knew you'll win. I'm the king. काहे का king? आधे सेकंड के डिफरेंस से जीता है तू। हम दोनों के बीच में फर्क आधे सेकंड का नहीं मेरे दोस्त, जमीन और आसमान का है, समझा? आज के बाद अपनी औकात में रहकर बात करना, लूजर मैकेनिक की औलाद। बाप पे जाता है। फैसल, स्टॉप इट। हेलो गाइस, ब्रांडो को पुलिस ने पकड़ लिया। ओ खुदाए, केडी, आज का अखबार तो पढ़ो। हाँ, वीरेंद्र सेवाग ने फिर से डबल सेंचुरी मार दी। अरे वाह, वेरी गुड। केडी, इधर देखो। क्या है? इलीगल स्पीड रेसिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट पुलिस वार्निंग्स। ये आजकल का येरा छोकरा, अपना जान का तो फिकर नहीं है, पर अपना पेरेंट्स का तो फिकर करना चाहिए। येरा छोकरा, कृपया कर इसका हिंदी अनुवाद सरल सा अनुवाद करके सुनाइए ना। ये आजकल का लड़का लोग येरा उत्तेजित युवा पीढ़ी जब अपने हित में नहीं सोचती तो इनके माता पिता को इनके हित में सोचना चाहिए। करेक्ट, इतना स्पीड अच्छा नहीं है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। नेवर माइंड, ये लीजिए शब्दकोश, जाइए और करके लाइए। केडी सर, बाइक्स और रेसिंग का शौक मुझे भी था, लेकिन जब से एक्सीडेंट में कोनी और घुटना टूटा है, होश और जोश दोनों कंट्रोल में आ गए। यंग लोगों का क्या क्या टूटता रहता है, कभी हड्डियां टूटती है, कभी दिल। इतनी गति से जीवन जीने की क्या आवश्यकता है? कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई सेंसिबिलिटी नहीं। क्या होश में आने के लिए होश खोना आवश्यक है? थिंक अबाउट इट यार। लगता है तुम सबको मेरा धुआं चाटने की आदत होगी। मैं फिर से जीत गया। आई एम द किंग। अबे तू कैसे बाइक चलाता है बे, पागलों की तरह? दो बार ऐसा कट मारा मुझे कि मैं ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचा। हाँ चिराग, तू एक दिन खुद भी मरेगा और हम सबको मरवाएगा। जो डरते हैं वो रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, और असली मर्द कभी डरते नहीं। अच्छा, मर्दान की आजमाने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो चल एक फाइनल रेस हो जाए। तुम लोग रोज हार हार कर थके नहीं? मैं तो तुमसे रोज जीत जीत के थक चुका। अबे बच्चे, ये कोई मुंबई खंडाला अप डाउन रेस नहीं है, मौत के मुंह तक रेस है। मौत के मुंह तक? What do you mean? वो खाई देख रहे हो? हम पांचों उस खाई तक रेस लगाएंगे 100 मीटर की दूरी से, और खाई के किनारे पर जाकर ब्रेक लगाना। जो इस किनारे के पास जाकर ब्रेक लगाएगा वही असली मर्द। Are you freaking crazy? क्या बकरा ब्रांडो, हम सबको मरवाएगा क्या? क्यों, पैन गीली हो गई तेरी? अभी तो सारे मर्दान की झाड़ रहे थे। हाँ, डन, वी रेडी। मैं भी रेडी। अरे फैजल पागल है क्या यार, बहुत रिस्की है, अगर थोड़ी सी भी देर से वेर हुई ना तो सीधा खाई में जाएंगे। तू भी ना शाइन, बहुत डरता है। गुड आइडिया गाइस, लेकिन ये तो बताओ कि जीतने वाले को प्राइस क्या मिलेगा? जो ये रेस जीतेगा वो अगले 3 सालों तक इस बाइक गैंग का लीडर होगा। सब उसे सर बोलेंगे और सल्यूट मारेंगे। फैंटास्टिक, डन। सॉरी गाइस, मुझे डॉक्टर ने मरने से मना किया। यू आर मैड। सर बुलाने की आदत डाल लो बॉयज।
क्योंकि कल की रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ। वो तो टाइम ही बताएगा। तो ठीक है, कल सुबह 7 बजे द रेस ऑफ डेथ इज ऑन। मेरा ये रुमाल नीचे गिराते ही आप लोग फुल स्पीड पे अपनी बाइक लेकर उस क्लिफ की तरफ जाएंगे। क्लिफ के एज के पास जो सबसे नजदीक जाकर ब्रेक्स लगाएगा वो हमारे ग्रुप का नया लीडर होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ऑन योर मार्क। एक मिनट यार, मुझे बाहर नहीं रहना यार। चिराग, हम जगह बदल लें। कितनी भी जगह बदल ले, लेकिन तू अपनी किस्मत कभी नहीं बदल सकता, समझा? लूजर मैकेनिक। ऑन योर मार्क्स गेट सेट। एक मिनट, मैं क्विट करता हूं। हंसो मत, इट्स टू डेंजरस, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। ऑल राइट, अब सिर्फ 3 बचे हैं। गाइस लेट्स बिगिन, मे द बेस्ट मैन विन। ऑन योर मार्क्स गेट सेट Go! मानता हूं साहब, हमारा फैजल बेकहना है, हमारे कहे में नहीं है। बेशक वो गैर जिम्मेदार भी है, लेकिन खूनी नहीं है साहब, खूनी बिल्कुल नहीं है साहब। और इस हादसे का ठीकरा पुलिस उस गरीब के सर फोड़ रही है। बाकी लोग तो सब रईस घर के संतान हैं। मुझे तो जरूर इसमें कोई साजिश लग रही है साहब। आपने कभी अपने बेटे को ये सब करने से रोका नहीं? कैसे रोकता साहब, जब भी उसे रोकने की कोशिश करता वो घर से भाग जाने की धमकियां देने लगता। दरअसल सारा कसूर मेरा ही है, उसे अपनी मनमानी करने देने का नतीजा हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है साहब। कहां है फैसल इस समय? चिराग की मृत्यु खाई के सिरे पर पड़े हुए तेल पर फिसलने से हुई। तेल तुमने डाला था? वो तेल तुमने डाला था फैसल या नहीं? कोई फायदा है मेरे बोलने का? सब कहते हैं कि मैंने उसे मारा, तुम मार डालो, मुझे लटका दो फांसी पर, किसी से नहीं डरता मैं। हमारी भाषा में बेलगाम और बेवजह बहादुरी को बेवकूफी कहते हैं। अदालत में तुम्हारी बहादुरी या बुजदिली की नहीं, तुम्हारे बेगुनाह या दोषी होने की चर्चा होगी। एक्सक्यूज मी,
मिस्टर केडी पाठक जी, मैं अजय नारंग हूं, बिरेन ब्रांडो का फादर। जी कहिए, आपसे एक गुजारिश थी, आप प्लीज इस केस को छोड़ दीजिए, किसी दूसरे वकील को लेने दीजिए। आपके इस उपदेश का उद्देश्य जान सकता हूं? इस बैग में 2 करोड़ रुपए इन कैश। आई होप केस को छोड़ने के लिए बहाना काफी है, अगर कम है तो मैं इस बहाने को बढ़ा भी सकता। दाद देता हूं आपके हिम्मत की मिस्टर नारंग। केडी पाठक को रिश्वत देने आए हैं, वो भी पुलिस लॉकअप में, और इसे मैं आपकी तारीफ कहूं या अपनी तौहीन समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर पाठक, ये तारीफ भी नहीं है और तौहीन भी नहीं है, सिर्फ एक तोहफा है। मैं तोहफे सिर्फ अपने जन्मदिन पर लेता हूं, वो भी सिर्फ मेरे अपनों से। ब्रेंडो को अदालत में लाना भूलिएगा मत मिस्टर नारंग। योर ऑनर, हमारे पंजाब में एक कहावत है, जल्दी दा काम शैतान दा, ते देरी दा काम रहमान दा। और इस कहावत की जीती जागती मिसाल हमारे कोर्ट में मौजूद है योर ऑनर, ये फैसल शेख, जिसने जल्दबाजी में सिर्फ एक मोटरसाइकिल रेस जीतने के लिए इतना बड़ा अपराध किया। देखिए फैसल शेख, 21 साल का जोश से भरा हुआ नौजवान, जिसने 14 दिसंबर के दिन अपने दोस्त, या फिर यूं कहिए अपने दुश्मन चिराग दिवेचा की मौत का सामान तैयार किया। योर ऑनर, ये तेल का पीपा, इस तेल के पीपे को पहचानते हैं? जी, ये मेरे अब्बू के गैराज में रखा रहता है। योर ऑनर, इसके अब्बू मुनाफ शेख एक बाइक मैकेनिक है, छोटी सी दुकान चलाते हैं, और उस दुकान में उनके अलावा 2 और मुलाजिम हैं, शर्फू और बबलू। अगर उनके बयान सुन ले जी तो अच्छा रहेगा। साहब, खंडाला वाली रेस के एक दिन पहले मैंने फैजल को ये डिब्बा तेल से भरते हुए देखा था। अरे फैजल भाई, ये 9 मन तेल लेकर कौन से राधा को नचाने जा रहे हो? अपने काम से काम रख, और अगर अब्बू से कुछ बोला ना तो बता दूंगा उन्हें स्कूटर पे डेंट किसने मारा था। चल और फिर उस शाम बबलू ने फैजल को बाइक पर जाते हुए देखा। जी वकील साहब, मैंने फैजल भाई को ये केन ले जाते हुए देखा था। कहाँ जा रहे हो फैजल भाई? जहन्नुम में जाएगा। थैंक यू योर ऑनर। और फिर फैसल उस तेल के पीपे को लेकर खंडाला गए, जहां अगले दिन रेस होने वाली थी, और वहां खाई के सिरे पर इन्होंने मौत का जाल बिछाया, तेल बिछाकर। और फिर अगले दिन जिस दिन रेस होने वाली थी, फैसल ने पक्का किया कि चिराग की बाइक उसी हिस्से पे जाए। और योर ऑनर, फिर रेस शुरू होने का रुमाल गिरा और उसके चंद सेकंड बाद चिराग की बाइक गिरी 600 फुट ऊंचाई से सीधी खाई में। रीजन ऑफ डेथ, घास पर तेल होने की वजह से बाइक के टायर का फिसल जाना। योर ऑनर, एक ऐसी जगह पर तेल जहां पर कोई गाड़ी जाते ही नहीं, तो जाहिर है कि तेल वहां जानबूझकर डाला गया, और तेल डाला फैसल शेख ने। सोडी साहब, झटपट एक रीकैप कर लेते हैं। यस श्योर। फैजल को इस डब्बे में तेल डालते हुए देखा शर्फू ने, फैजल को इस डिब्बे को ले जाते हुए देखा बबलू ने,
और फैजल को उस घाटी के सिरे पर तेल फैलाते हुए देखा आपने? मुझे अफसोस मैं नहीं देख पाया। एक्चुअली उस दिन मैं मिसेस की मदद कर रहा था किचन में, भिंडी काट रहा था एक्चुअली। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ सुना है आप बहुत ही गुणवंत रसोई हैं। हाँ वहाँ अपने रसोई में आप भिंडी काटते हैं और यहाँ अदालत में ख्याली पुलाव बना रहे हैं। सर ही बन, क्यों नहीं हो सकता कि वो तेल वहाँ किसी और ने फैलाया हो? क्यों नहीं हो सकता सोडी साहब कि वो तेल पहले से वहाँ बिछा हो? क्यों नहीं हो सकता? आपके इस क्यों का जवाब है मेरे पास, और वो भी 5 फुट 10 इंच के साइज का। योर ऑनर, फैसल के भाई से भी बढ़कर जिगरी दोस्त शयन कोठारी। ओ शयन पुत्र, मिस्टर पाठक का कहना है कि वहां वो तेल फैसल ने नहीं फैलाया था। पुत्र तेरी क्या राय है इस बारे में? जी वहां तेल यकीनन फैसल ने ही डाला था। फैसल ने ही डाला था। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वो भी पक्के प्लान के साथ, चिराग को मारने के लिए। रेस का प्लान बनने के बाद मुझे फैसल का फोन आया था। क्या तू वहाँ पे तेल डाल के चिराग की बाइक को स्लिप करवाएगा? तेरा दिमाग तो सही है, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है फैसल। तो तू क्या चाहता है, चिराग रेस जीत जाए और 3 साल तक हम पर हुकूमत करे वो? तो क्या इसके लिए तू उसे मार डालेगा? कुछ नहीं होगा उसे, मैंने वो जगह देखी है, 5 फीट नीचे सिर्फ झाड़ियाँ और पत्थर है। वहां गिरेगा ना एक आध हड्डी टूटेगी और ज्यादा से ज्यादा बाइक में थोड़ी चोट आई है। देख फैसल छोड़ ये आइडिया, ठीक है? और कुछ भी करने से पहले ना एक बार अपने अब्बा के बारे में सोच ले। सुन, एक बाप काफी है मेरा, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर तू। और जहां तक मेरे प्लान का सवाल है ना, वो तो फाइनल है। केडी साहब, योर विटनेस। शयन, ये फैजल के इस फोन कॉल का कोई और साक्षी, कोई और गवाह, कोई विटनेस तुम्हारे पास? नो सर। नहीं, और उनकी मंशा जानने के बाद क्या इस विषय में तुमने किसी से बात की थी? हाँ। अच्छा भाई, किससे? सिमरन से। आई डिडंट अंडरस्टैंड शयन, जब तुम चिराग को बचाना चाहते थे तुम्हें चिराग को सावधान करना चाहिए था, लेकिन तुमने सिमरन से बात की, क्यों ऐसा? सर मुझे लगा कि सिमरन चिराग को बता ही देगी, आफ्टर ऑल उसकी गर्लफ्रेंड जो थी। हाँ, शायन ने मुझे फोन किया था और इस बात के बारे में बताया था, और मैंने चिराग को इन्फॉर्म भी किया था, पर उसने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। तो किस प्रकार आपने चिराग को सचेत किया था? I mean, how did you inform him? मुलाकात हुई? मैंने उसे फोन किया था। फोन किया था आपने उसे? लेकिन चिराग के सेल फोन के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपके फोन से उसके फोन पर कोई कॉल नहीं आया। It's funny, no? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया था। That's even funnier, क्योंकि दिवेचा परिवार के अनुसार 3 दिनों से उनका लैंडलाइन बंद पड़ा हुआ था, तो आपका फोन कैसे बंद फोन पर कैसे? मैंने कॉलेज के लैंडलाइन पे उसे फोन किया था। आपने चिराग को उस दिन कॉलेज के लैंडलाइन पर फोन किया जिस दिन चिराग कॉलेज गया ही नहीं था? क्या कह रही हैं आप? देखो सिमरन, 0 out of 3, not very good. Time to tell the truth. चलो बताओ सच क्या है? Sir, actually, इस बारे में मैंने चिराग को बताया ही नहीं। आपने चिराग को इस बारे में बताया ही नहीं? कमाल है सिमरन जी, चिराग की जान खतरे में थी, उसे मारने का प्लान बनाया जा रहा था, आपको ये खबर मिली और आपने उसे बताया ही नहीं। मैं नो व्हाई, क्यों? सर, बिकॉज़ आई वांटेड दैट। मैं चाहती थी कि उसका बुरा हशर हो। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। उस शाम शाइन के फोन करने से पहले देखना सिमी, कल मैं कैसे वो बैट जीत के इन लोगों का बैंड बजाता हूँ। हाँ, बैंड बजा।
फिर हम अपनी बैंड बजाएं। अपनी बैंड? हाँ, बैंड बाजा बारात। कब तक ऐसे बैठेंगे? पता है, मॉम लड़कों की फोटो लेके मेरे पीछे पीछे भागती है। एटलीस्ट उनसे डैड से तो मिल लो, वरना वो मेरा मेरी शादी करा। देखो सिमी, मुझे लेकर इतना इमोशनल मत हो। और वैसे भी शादी वादी मेरा लीग नहीं है, मेरा लीग है बस वो रेस जीतना। मजाक क्या कर रहे हो चिराग? तुम्हें पता है ना मॉम सीरियस है। लड़के देख रही है ना, तो कोई भी मोटा बकरा पकड़ के कर लो शादी। What do you mean? खुश रहोगी। और अब वैसे भी हम लोगों के बीच कुछ बचा भी नहीं है। चिराग मुझे प्रॉमिसेस और वादे तुमने किए थे। कौन सा वादा यार? गजनी गिरी की बीमारी है मुझे, भूल जाता हूँ मैं। और तुम भी भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। हटो यार। हाँ शायन, मुझे चिराग पे इतना गुस्सा था कि आई थॉट ही डिजर्व्ड इट, पर मुझे सीरियसली नहीं पता था कि इससे उसकी जान चली जाएगी। या फिर पता था आपको और यही चाहती थी आप, और जो चाहती थी वही हुआ। मिस्टर पाठक, हमारे पंजाब में एक और कहावत भी है, दसो। ओ जी मुद्दई लाख बुरा चाहे तो की होंदा है, क्योंकि होंदा तो वही है जो करने वाला करता है। सिमरन और शायन के चाहने से क्या होता, क्योंकि करने वाला है ये फैसल शेख। मैं सच बोलना चाहता हूं सर। बोल बेटा बोल, सच बता दे बेटा। शर्फू, बबलू, शायन और सिमरन, ये सब जो भी बोल रहे हैं वो सच है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं उस क्लिफ पर तेल डालकर चिराग को नीचे गिराना चाहता था, इसीलिए मैंने शायन को फोन किया। उसके बाद तेल से कैन भरा और उसे लेकर खंडाला गया, और मैं वहां तेल फैलाने ही वाला था कि मुझे अपने अब्बू का ख्याल आया। अब्बू के बारे में सोचकर मेरा जमीर हिल गया। मुझे लगा कि ये क्या करने जा रहा था मैं, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी और की जिंदगी से खेल रहा हूँ। मैंने अपना इरादा वहीं कैंसिल कर दिया और कैन का ढक्कन खोले बिना उसे वापस बाइक पर फिट किया और घर लौट गया। एक मिनट, तुम भरा तेल का पीपा लेकर वहां गए थे और भरा तेल का पीपा लेकर वापस आए, तो वहां तेल डाला किसने? मैं नहीं जानता सर, पर यह काम मेरा नहीं है। मैं तो कैन को वैसे का वैसा ही घर लाया था। आप चाहे तो अब्बू से पूछ सकते हैं। विचार अच्छा है तुम्हारा फैसल, पूछते हैं तुम्हारे अब्बा से, अगर सोढ़ी साहब को आपत्ति ना हो तो। जी मुझे क्या आपत्ति होगी, ओ जी बी माई गेस्ट। धन्यवाद जी। जब वो शाम फैजल घर लौटा बहुत फर निकल आया तेरे, नहीं जब चाहे जहां चाहे कहीं भी कभी भी चला जाता है बिना बताए। क्या है ये सब, और ये तेल का डब्बा कहां लेके गया था मेरा है? कहीं नहीं। हाँ तो मुनाफ जी, जब आपने उस समय ये कनस्तर अपने हाथों में लिया था, आपके बेटे फैजल के कथन के अनुसार ये पूरी तरह से भरा हुआ था, राइट? बोल दीजिए, सच बोल दीजिए। वो जी सच बोलने का और सुखी रहने का। वकील साहब, मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और नहीं आज बोलूंगा। वो तेल का कनस्तर भरा हुआ नहीं था, बल्कि खाली था। ये क्या कह रहे हैं अबू आप? वो केन खाली कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बेटा, वो तेल का कनस्तर भरा हुआ नहीं बल्कि खाली था बेटा। पाठक साहब, हमारे पंजाब में एक और कहावत है, दसो। कि घर विच मुंडा ते शहर विच डिंडोरा। जब घर में ही लंका ढाने वाला मौजूद है
तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। बुजुर्गवार मुनाफ शेख साहब के बयान से साफ जाहिर है कि अगर कोई मुजरिम है तो वो है इनका अपना बेटा फैसल शेख। फैजल शेख नहीं है यार, ये है ये कनिस्टर जिसके तल्ले में सोडी साहब की दलील की तरह छेद है। और स्पष्ट है यार कि इसी छेद में से तेल बह गया और एक कनिस्टर खाली हो गया। तेरी इसमें तो वाकई छेद है, पर केडी साहब अगर इस पीपे में छेद था तो जब फैसल इसे लेकर खंडाला गया था तो तेल को तो रास्ते में टपक जाना चाहिए। क्या बात है सोड़ी साहब, क्या बात है, हम में भी एक कहावत है। अच्छा, देर आए दुरुस्त आए, क्या आए बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हुआ ये कि जब फैजल ये कनस्तर लेके खंडाला गया उस समय इस पे छेद नहीं था। जब फैजल ने अपनी मंशा बदली और वहां से लौट रहा था तब इसमें छेद था जिसके जरिए तेल बह गया योर ऑनर। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि किसी ने फैजल को फंसाने के लिए इस कनस्तर में छेद किया। ऐसा कैसे हो सकता है, इस डिब्बे में छेद किसने किया? योर ऑनर खुद फैजल ने। फैजल ने नहीं योर ऑनर, किसी और ने जो उस समय उसी जगह उपस्थित था जिसने इस कनस्तर में छेद किया और फैजल के लौटने के बाद वहां घाटी के सिरे पर तेल फैलाया जिसके कारण चिराग की मोटरसाइकिल फिसली और उसकी मृत्यु हुई। और इस विषय में अधिक जानकारी पाने के लिए मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं बीरेन उर्फ ब्रांडो के पिताजी को, श्री अजय नारंग। मिस्टर नारंग, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। उस दिन आपने मुझे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, क्यों? साइलेंस इन द कोर्ट। मैं रिश्वत कब? जेल के कॉरिडोर में जब हमारी मुलाकात हुई। ये कैसा बेतुका इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? मैं तो वहां पर अपने बेटे ब्रांडो के दोस्त फैजल की मदद करने गया था, आपसे तो सिर्फ हाय हेलो हुई थी। मिस्टर नारंग, क्या आपको पता है कि जेल के कॉरिडोर में सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं जो हमारे संवाद को बखूबी कैद कर सकते हैं? बोलिए मिस्टर नारंग, क्या आपको पता है कि जेल के कॉरिडोर में सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं? हाँ, मैंने इन्हें 2 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की थी। लेकिन मिस्टर नारंग, आपने मुझे मेरी बात शेष करने का अवसर नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको नहीं पता कि जेल के कॉरिडोर में सुरक्षा कैमरे लगे होते हैं या नहीं, मैं आपको बता दूं कि नहीं होते हैं, लेकिन होने चाहिए। अब आप मान चुके हैं इस बात को कि आपने मुझे 2 करोड़ की घूस देनी चाहिए, क्यों, ये अदालत को बताइए। दरअसल चिराग के एक्सीडेंट से 1 रात पहले मैंने अपने बेटे ब्रांडो को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो चिराग का बच्चा इतना बड़ा कमीना निकलेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसे कल ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आई स्वेयर जान से मार दूंगा उस कमीने को। आई विल किल हिम। और अगले ही दिन चिराग का एक्सीडेंट हो गया। मुझे फौरन लगा कि इसमें जरूर ब्रांडो का हाथ होगा, पर जब ब्रांडो की जगह फैजल पकड़ा गया तब मुझे कुछ सुकून हुआ। पर जब केडी पाठक ने उसका केस अपने हाथों में लिया तो मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मुझे पता था कि केडी किसी भी तरह मेरे बेटे तक पहुंच ही जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें केस से हटने के लिए रिश्वत की ऑफर दी थी। चलिए एक बार आपके सुपुत्र बीरेन से बात करते हैं। डैड जी, आपने क्या कर दिया? आपकी इस हरकत से मैं मुश्किल में आ गया हूँ। नहीं 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 ब्रांडो भैया, अभी तक मुश्किल में आए नहीं है, लेकिन आ जाएंगे अगर सच को छिपाने का प्रयास इसी तरह जारी रखा। चलो बोलो, सच क्या है? सर, मेरे डैड को कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ, उस रात मैं फोन पर चिराग को धमकी जरूर दे रहा था, लेकिन मैं चिराग से बात नहीं कर रहा था, किसी और से बात कर रहा था। अच्छा, किससे बात कर रहे थे?
सिमरन से। सिमरन मुझे राखी बांधती है सर, वो मेरी बहन है, और जब मुझे उसने बताया कि चिराग ने उसे कैसे डिच किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। और वैसे भी मेरी और चिराग की शुरू से नहीं बनती सर। तो ब्रेंडो, हमें ये भी बताओ कि उस शाम फैजल के अतिरिक्त तुम भी वहां खंडाला घाट पर उपस्थित थे, क्यों क्यों गए थे तुम? नहीं सर, आई स्वेयर मैं नहीं गया था सर, मैं खंडाला घाट नहीं गया था। अच्छा, ये तो अचंभित कर देने वाली बात है ब्रेंडो। अगर तुम खंडाला गए ही नहीं थे तो फिर मुंबई खंडाला टोल नाके की जो सूची है हमारे पास, इस पर तुम्हारे बाइक का नंबर कैसे दर्ज है? MH44K599 योर ऑनर, तुम्हारी बाइक का नंबर है। कल सुबह 11 बजे तक ये मुकदमा मुलतवी किया जाता है, और तब तक इस मुकदमे से जुड़े सारे गवाहों को यह सख्त हिदायत दी जाती है कि वो शहर की सीमा से बाहर न जाएं। द कोर्ट इज अडजर्न। केडी साहब, ब्रांडो के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसके फादर भी जानते हैं कि वो ही खूनी है। हाँ, लेकिन अदालत नहीं जानता, और उस धमकी के अतिरिक्त हमारे पास ब्रांडो के विरुद्ध कोई सबूत भी नहीं। तू एक काम कर, उस पर नजर रख। कहते हैं कि अपराधी कभी ना कभी कोई गलती जरूर करता है, हो सकता है गलती से वो अपने खिलाफ कोई सबूत दे दे। राइट सर। पता है तुम्हें किसने किया ये सब? किसने मारा चिराग को? बोलो। ब्रांडो, ये क्या हो गया ब्रांडो? किसका नाम लिया इसने, किसका नाम लिया इसने? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.